ये बड़ी विडम्बना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है दिल्ली में और अपना काम नहीं कर पा रही है। 9 साल का ये एक आंकलन लोगों का है, हर क्षेत्र में विफल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान सब लोग त्रस्त हैं। हाँ, मीडिया मैनेजमेंट में, प्रचार प्रसार में, लोगों को भ्रमित करने में, ध्यान भटकाने में तो नंबर एक पर है। राजस्थान में उल्टा है, भाजपा यहाँ विपक्ष में है और उस भूमिका वो निभा नहीं पा रही है और अब थक हार के उन्होंने यात्राएं शुरू करी। पहले तो उन्होंने करी थी जन संघर्ष यात्रा। उस संघर्ष यात्रा में संघर्ष था लेकिन जनता नहीं थी। अब परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पर सर फुटबॉल मचा हुआ है, खींचतान बहुत ज़्यादा है भाजपा के अंदर और वो इस बात से संतोष ले रहे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार इस परिपाटी को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार संगठन सब मिलकर अब काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और ये बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फीडबैक हमें मिला है, मैं अक्सर जिलों में दौरे कर रहा हूँ और सब लोग मानते हैं कि इस बार भाजपा की विपक्ष के रूप में नाकामी सदन के अंदर, सदन के बाहर, और अब जो परिवर्तन यात्राओं में जनता का अभाव है वो इस बात का प्रमाण है कि जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं करती है। आप किसान के खिलाफ 3 कानून बनाओगे, आप नोटबंदी करोगे, GST करोगे, महंगाई को आसमान पर छुआ दोगे और लगातार इस देश में जो अब सेना को ले लो, जो नौजवान उम्मीद करते थे कि सेना में जाके अपने गौरव और अपने देश का शौर्य बढ़ाएंगे, आपने अग्निवीर लगा दिया कि आप 4 साल नौकरी करो फिर आपकी छुट्टी। तो हर क्षेत्र में उन्होंने लोगों को तरह से ठगा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल जी ने जो यात्राएं करी हैं, खासकर जो भारत जोड़ो यात्रा थी, कर्नाटक में हम लोगों ने प्रचार किया, वहाँ पर डबल इंजन फेल हुआ, हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने अच्छा प्रचार किया, वहाँ पर डबल इंजन फेल हो गया। और ये जो उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर हम सत्ता में आ जाएंगे, वो अब लोग समझ गए हैं। देखो, शुरुआत में तो लोग भ्रमित रहते हैं कि भाई ये अच्छा एक जज्बाती मुद्दा है, इस पर वोट पड़ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन 4 स्टेट्स में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन स्टेट्स में भाजपा की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मुझे लगता है 4 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक पार्टी की बात है, खड़गे जी एक निर्वाचित अध्यक्ष हैं, पहली बहुत समय बाद मुझे लगता है कि एक दलित समुदाय के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में निर्वाचित अध्यक्ष बनाया है, उनकी कमेटी बन गई है और मुझे भी उस कार्य समिति में काम करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं संगठन का, खड़गे जी का, राहुल जी का सबका धन्यवाद करता हूँ। और अब नई ऊर्जा के साथ, नई टीम के साथ हम लोग जमीन पर आ गए हैं और लगातार प्रचार हो रहा है, सरकार भी कर रही है, लेकिन संगठन, क्योंकि पार्टी के दम पर ही सरकारें बनती हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अजमेर में, क्योंकि मैं अजमेर में हूँ, यहाँ पर चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। शहर में बहुत लंबे समय से हम दोनों सीट जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो माहौल लग रहा है, जो एकता दिख रही है, सभी नेता सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो जयपुर में, अजमेर में और अजमेर ग्रामीण में भी, क्योंकि यहाँ से मैं सांसद रहा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के लिए और योगदान दूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी।